तो वही गाइस, फिर से आपका स्वागत है बॉडी बिल्डिंग टीवी में। इस टॉपिक का ये लास्ट वीडियो होगा हमारा, क्योंकि ये टॉपिक आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि फिर से किसी कंट्रोवर्सी में फंस सकता है। इन दोनों के अंदर कंट्रोवर्सी मुझे नहीं लगती इन दोनों की कंट्रोवर्सी अब होगी, तो ये लास्ट वीडियो समझ के चलिए इस कंट्रोवर्सी का। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको हमारा लास्ट वीडियो इस टॉपिक का देखना ज़रूरी है। ये इस थंबनेल वाला ये वीडियो है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप पहले जाके ये वीडियो देख लीजिए, फिर जाके आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में काम ओनली मैटर क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है। तो लास्ट वीडियो में साहिल खान और मनोज पाटिल की जो लास्ट राइवलरी थी, कंट्रोवर्सी थी, वो दिखाई दे रही थी। एक दूसरे को काफ़ी पोक कर रहे थे, उनके हैमस्ट्रिंग अच्छे नहीं है, साहिल खान कहते उनके हैमस्ट्रिंग अच्छे नहीं, काल्स अच्छे नहीं है, और मनोज पाटिल कहते आपके पास प्रो कार्ड है क्या, ये दिखाओ वो दिखाओ, और साहिल खान कहते हैं कि मैं 1998 से बॉडी बिल्डर हूँ और मैंने इतने स्टेज के कम्पीट किए, इतने कंपटीशन किए। काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को कहा सुनी उन्होंने की, और उनके इंस्टाग्राम पे उन्होंने ये सब पोस्ट किया, कुछ स्टोरीज़ में पोस्ट किया, कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही थी, तो इस वजह से मनोज पाटिल मनसे के जो शारीरिक सेना के अध्यक्ष हैं उनके पास गए और उनको निवेदन किया कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हेवी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है इंडियन एथलीट्स को, महाराष्ट्र के एथलीट्स को, तो आप इसमें कुछ कीजिए। तो फिर तो इसके बाद मनसे शारीरिक सेना के अध्यक्ष जो है उन्होंने साहिल खान से कॉन्टेक्ट किया और उनको पूछा कि इस बारे में और इस मैटर के बारे में क्या है। तो साहिल खान उनके ऑफिस में आए, मनसे शारीरिक सेना अध्यक्ष जो है उनके ऑफिस में आए और उनसे काफ़ी बातचीत की। आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये काफ़ी ओल्ड हो चुकी है न्यूज़, शायद ये 15-20 दिन हो चुके हैं इस न्यूज़ को आके, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, बट मुझे आज ये इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए ये दिखाई दिया मुझे पोस्ट, इसलिए मैंने सोचा कि इसको ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसके लास्ट प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं हमारे उसमें इसको मेंशन किया था, इस कॉन्ट्रोवर्सी को, और मैं चाहता था कि इस लास्ट वीडियो के साथ ये कॉन्ट्रोवर्सी हमारे चैनल से एटलीस्ट एंड हो जाए, तो इसलिए मैंने ये स्टोरी ऐड की है आज। तो इसमें आप देख सकते हैं शारीरिक सेना के अध्यक्ष और साहिल खान, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातचीत की इस टॉपिक पे कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ और क्यों आपको प्रॉब्लम है एथलीट से इंडिया में या फिर महाराष्ट्र में, और मनोज पाटिल के साथ आपकी क्या कहा सुनी हुई या किस टॉपिक पे प्रॉब्लम हुई, आप इस पोस्ट में देख सकते हैं। जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मुख्य कार्यालय राजगढ़ मुंबई थे, साहिल खान यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण शारीरिक सेना अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य सन्माननीय डॉक्टर ऋषि शेरेकर साहेब यांची भेट घेतली आणि कळत नकळत त्यांच्यापासून झालेल्या चुकीबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली व सन्माननीय शेरेकर साहेबांनी आश्वासन दिले की ह्यापुढे फिटनेस क्षेत्रासाठी सदैव तत्पर राहील, तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण शारीरिक सेनेला सहकार्य करून होतकरू खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याचं काम करेल। सो इसका मतलब है कि साहिल खान ने मुंबई में जाके महाराष्ट्र शारीरिक सेना अध्यक्ष सन्माननीय डॉक्टर ऋषि शेरकर साहेब इनसे मुलाकात की और उनको बताया कि जो भी हुआ ये कंट्रोवर्सी, ये प्रॉब्लम जो भी हुई मेरे जाने अनजाने में हुई या फिर कुछ चीज़ों की वजह से हुई, तो उसके लिए वो दिलगिरी व्यक्त करते हैं और ऐसी चीज़ों को और ना हो ये ऐसी चीज़ें, और फिटनेस इंडस्ट्री को मैं बहुत सपोर्ट करूंगा, ऐसे उन्होंने उनको प्रॉमिस किया, आश्वासन दिया। और महाराष्ट्र नवनिर्माण शारीरिक सेने को सपोर्ट करना और स्पोर्ट्स पर्सन्स को, एथलीट्स को सपोर्ट करने का काम मैं हमेशा करता रहूंगा, ऐसा उन्होंने वादा किया है शेरेकर साहब को। और ऐसा लगता है कि अब जाके मनसे के इंटरफेयर करने की वजह से इस मैटर में ये मैटर अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और अब मनोज पाटिल और साहिल खान के बीच में कंट्रोवर्सी शायद नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने के अधिकारियों ने ये सब कुछ अब सॉल्व कर दिया है। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, इसमें क्या हुआ, गलत हुआ या अच्छा हुआ, और किसी गलती है साहिल खान और मनोज पाटिल की कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और जो लाल बटन है सब्सक्राइबर का उसको दबा दीजिए, और आपका प्यार हमारे साथ ऐसा रखे हमेशा। थैंक यू फॉर